प्रिय मित्रों एवं सभी छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर पीके वर्मा आज एनिमल किंगडम का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि एनिमल किंगडम एक बड़ा किंगडम है जिसका प्रारंभ फाइलम पोरीफेरा से होता है। पहले एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और साथ ही साथ अन्य 8 मेजर फाइलम और कई छोटे छोटे यानी माइनर फाइलम शामिल थे। अब प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा किंगडम में डाल दिया गया है, पाराजोआ को ही हम पोरीफेरा कहते हैं और मेटाजोआ में सिलेंटेटा से लेकर कॉर्डेटा तक 8 बड़े बड़े फाइलम हैं। इसके अलावे कई सारे माइनर फाइलम हैं जिनमें एक दो की चर्चा आपके लेवल पर अवश्य ही होगी। तो सबसे पहले हम लोग पाराजोआ या पोरीफेरा से पढ़ना प्रारंभ करें। स्पॉन्जेज नाम से बाथरूम में यूज किए जाने वाले चेहरे को साफ करने वाला एक रेशेदार पदार्थ, इसकी चर्चा आज से लगभग 3000 साल पहले होमर के उपन्यासों में हुआ था। काफी दिनों तक इसे लोग प्लांट समझते रहे क्योंकि यह ठोस पत्थर चट्टान पर चिपका मिलता है, नाव या लकड़ी के टुकड़ों में जहाज की सतह पर चिपका मिलता है और इसके वाल में कुछ नील हरित शैवाल के जू क्लोरिला और जू जेंथिला जैसे शैवाल के यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के रहने के कारण इसमें पौधे जैसा लुक दिखाई पड़ता है, पौधे जैसा रंग दिखाई पड़ता है, इसलिए लोग इसे पौधा ही मानकर चल रहे थे। लेकिन लिनियस, लमार्क और क्यूबियर नामक वैज्ञानिकों ने इन्हें एनिमल माना और सिलेंटेटा के अंदर स्थापित किया। इसका भी एक कारण था कि सिलेंटेटा में 2 सेल लेयर का बना हुआ बॉडी वॉल है और पोरीफेरा में भी 2 सेल लेयर का बॉडी वॉल है, तो डिप्लोब्लास्टिक होने के नाते उन्होंने डिप्लोब्लास्टिक का एक ही ग्रुप सिलेंटेटा बनाया था। यह वास्तव में एक एनिमल है। इसको पहली बार सेल की रचना के आधार पर स्कॉटिश नेचुरलिस्ट रॉबर्ट ई ग्रांट ने 1836 में प्रमाणित किया और चूंकि इसके शरीर पर छोटे छोटे रंध्र या पोर्स पाए जाते हैं इसलिए इसका नाम उन्होंने पोरीफेरा रखा। बाद में सोलास नाम के वैज्ञानिक ने इसकी रचना का माइक्रोस्कोप की मदद से विस्तृत अध्ययन किया, इसके विभिन्न सेल्स की रचना बताया, उनकी क्रिया, उनकी बनावट, उनकी सजावट इत्यादि बताया और उन्होंने इसका नाम पाराजोआ रखा। सोलास के अनुसार इस फाइलम से कोई भी हायर फाइलम उत्पन्न नहीं हुआ है। हिकेल ने भी इस बात का समर्थन किया क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले कई सेल जैसे कि पोरोसाइट नाम का सेल, कॉलर सेल, यह हायर एनिमल्स में नहीं मिलते हैं, इसलिए यह अपने आप में एक अलग प्रकार का प्राणी है। इसका वृद्धि और विकास आगे किसी भी बड़े जंतु समूह में नहीं हुआ।
अब हम लोग इसके विभिन्न लक्षणों को समझें। अधिकांश पोरीफेरा समुद्री होते हैं। अपवाद के रूप में स्पॉन्जिला नामक एक अत्यंत छोटा और कमजोर सा दिखने वाला स्पॉन्जिला नाम का यह स्पॉन्ज फ्रेश वाटर पॉन्ड्स और लेक में भी मिलता है। इसका बनावट आमतौर से नलीनुमा लंबी या भेजल की तरह गोल, कभी कभी पिरामिड की तरह नीचे चौड़ा और ऊपर पतला होता है। इसमें बाहर और अंदर सेल्स का दो स्तर होता है, जिसे आप एक्टोडर्म और एंडोडर्म मान सकते हैं, और इन दोनों के बीच जेली की तरह गाढ़ा पदार्थ भरा रहता है, जिसे मीजेनकाइम कहते हैं। लेकिन यह मीजेनकाइम बिना सेल का नहीं होता है, इसमें कई सारे अमीबानुमा सेल पाए जाते हैं। अब देखिए, यह एक भेजल स्पॉन्ज है। इसके शरीर की सतह पर छोटे छोटे छेद बनाए गए हैं, पोर्स बनाए गए हैं। इन पोर्स से होकर पानी अंदर आता है और ऊपर के खुले हिस्से से बाहर निकल जाता है। तो यह खुला हिस्सा पानी के निकासी का द्वार है। इसे माउथ नहीं माना जाता है, इसे अलग नाम दिया गया, ओस्कुलम। इसकी दीवार में कई प्रकार की कोशिकाएं और अंतःकंकाल बनाने वाली रचनाएं हैं, जिसे बाद में हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब इसके अंदर की जो खाली जगह है, उसको स्पॉन्जोसील कहा जाता है। इसमें बॉडी वाल के पोर होकर पानी अंदर आता है और ऊपर के ओस्कुलम से होकर निकल जाता है। अगर आप एक स्पॉन्ज के अगल बगल कोई रंग कण गिरा दें, इओसिन नाम का रंग गिरा दें, तो आप देखिएगा कि वह बॉडी वाल होकर अंदर जा रहा है और ऊपर ओस्कुलम होकर बाहर निकल रहा है। लेकिन इस स्पॉन्जोसील को हम उसके स्टोमक जैसा, उसके पाचन तंत्र जैसा नहीं मान सकते हैं। यह गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम का काम नहीं करता है, क्योंकि इसमें पाचन क्रिया सेल के बाहर स्पॉन्जोसील में नहीं होती है। इसके बॉडी में जो छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, उन्हें ओस्टिया भी कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक सिंपलेस्ट स्पॉन्ज में यह पोर एक सेल के अंदर होकर गुजरता है, जिसे पोरोसाइट कहा जाता है। तो यह पोरोसाइट एक विशेष सेल है, जो किसी अन्य एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। अब बाहरी सतह का निर्माण चपटे स्पिंडल की आकृति के सेल से हुआ है, जिसे पिनेकोसाइट कहा जाता है। इसलिए एपिडर्म का दूसरा नाम पिनेकोडर्म भी है। ठीक इसी तरह स्पॉन्जोसील का निर्माण फ्लैजिला युक्त कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट से हुआ है, इसलिए आप अंदर के लेयर को कोएनोडर्म भी कह सकते हैं। लेकिन हायर एनिमल्स में बॉडी की दीवार बार बार अंदर बाहर इस तरह से मुड़ जाया करती है, इसलिए वह सीधी रचना समाप्त हो जाती है और पानी के परिवहन के लिए एक जटिल कैनाल सिस्टम का निर्माण होता है। इसके कई सारे प्रकार होते हैं, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप, रेगॉन टाइप इत्यादि, जो हायर लेवल पर आप अलग से पढ़ेंगे। अब पोर होकर के जो पानी अंदर जाता था, कैनाल सिस्टम बनने के बाद अंदर का रास्ता इनकरेंट कैनाल और फिर दीवार से पार कर
स्पॉन्जोसील की ओर जाने का रास्ता एक्सकरेंट कैनाल बन जाता है, और ये पोरोसाइट इन करेंट और एक्सकरेंट कैनाल के बीच अवस्थित होते हैं। तो इस तरह का वाटर फ्लो का सिस्टम किसी अन्य एनिमल्स में नहीं मिलता है। और भी जटिल बॉडी वाल होने के बाद जो एक्सकरेंट कैनाल में फ्लैजिलेटेड चैम्बर बन गया है, वो छोटे छोटे कई सारे गोल गोल फ्लैजिलेटेड चैम्बर में विभाजित हो जाता है और बॉडी वाल के मध्य में स्थित होता है। उसमें प्रवेश करने के लिए और निकलने के लिए प्रोसोडस और एफोडस नाम की नलियां पाई जाती है। अब ये कॉलर सेल्स अपने फ्लैजिला के मूवमेंट के द्वारा हमेशा पानी अंदर की ओर खींचते रहता है, और इस पानी के साथ छोटे छोटे प्लैंकटॉन्स जो बॉडी में प्रवेश करते हैं, स्पॉन्जोसील में आते हैं, उन्हें यह छान कर अपने कॉलर में जमा कर लेता है। इसके बाद फूड कप बनाकर उन फूड पार्टिकल्स को यह निगल जाता है, और इस तरह कॉलर सेल के अंदर ही भोजन का पाचन होता है, यानी भोजन का पाचन इंट्रासेलुलर होता है। अब बॉडी वाल में कई तरह के अमीबानुमा सेल्स पाए जाते हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। वैसे सेल जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का सीधे भक्षण कर सकते हैं फैगोसाइट कहलाते हैं। कुछ सेल्स भोजन को जमा करते हैं तो उन्हें थीजोसाइट्स कहा जाता है। इसी तरह अधिकांश स्पॉन्ज में कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिकॉन का बना हुआ कटीला नुकीला करा सिक्रीशन निकलता है, यानी नॉन सेलुलर एंडोस्केलेटन बनता है। इन्हें स्पाइक्यूल्स कहा जाता है या एस्क्लेयर्स कहा जाता है। तो इनका निर्माण करने वाले सेल्स को एस्क्लेरोब्लास्ट कहा जाता है। हायर स्पॉन्ज में प्रोटीन के धागे स्पॉन्जिन फाइबर्स का निर्माण होता है, यानी इनका बॉडी वाल रेशेदार हो जाता है। तो इन कोशिकाओं को स्पॉन्जियोब्लास्ट कहा जाता है। इनमें सेंसरी सेल और नर्व सेल्स नहीं पाए जाते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट और स्पॉन्जियोब्लास्ट के अलावे कोई सिक्रेटरी सेल स्रावी कोशिका भी नहीं पाई जाती है। अब देखिए ये बॉडी वाल है, आप इसमें इधर से पानी अंदर जाता है और यहाँ पर पोरोसाइट सेल स्थित है। तो इस पोरोसाइट सेल के अंदर से बने हुए पोर के थ्रू यह पानी अंदर आता है। तो इन करेंट कैनाल से यह एक्स करेंट कैनाल या रेडियल कैनाल में आ जाता है, और फिर यह स्पॉन्जोसील में प्रवेश करता है। तो बाहरी सतह से डिराइव होने के कारण इन करेंट कैनाल की दीवार बनी हुई है चपटे चपटे सेल से, इन्हें कहा जाता है पिनाकोसाइट। जबकि अंदर की ओर से यह कॉलर सेल्स देख रहे हैं, यह फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, तो यह फ्लैजिलेटेड चैम्बर का काम किया। बीच की दीवार देख रहे हैं मोटी है, यह मेसेनकाइम है, इसमें कई प्रकार के अमीबानुमा सेल हैं। और यह जो नुकीली रचना अंदर के तरफ और बाहर के तरफ निकली हुई दिखाई पड़ रही है, यही इनके स्पाइक्यूल्स यानी नॉन सेलुलर एंडोस्केलेटन है। यहाँ फिगर में स्पॉन्जिन फाइबर नहीं दिखलाया गया है। वास्तव में यह डायग्राम साइकॉन नामक स्पॉन्ज का, टिपिकल स्पॉन्ज का लिया गया है, जिसमें स्पॉन्जिन फाइबर नहीं पाया जाता है। अब आप इसमें एक ओभम बना हुआ यहाँ देख रहे हैं, ये ओभम है, और फर्टिलाइजेशन के बाद एक जायगोट बन रहा है, उससे बनता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। ये दोनों भी इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कराया गया है। तो अब ये जर्म सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो मेसेनकाइम में होता है। इसका निर्माण भी आर्कियोसाइट नाम के सेल से होता है,
जो एक टोटिपोटेंट सेल है, किसी भी अन्य प्रकार के सेल का निर्माण करा सकता है। तो आर्कियोसाइट से बनेंगे जर्म सेल, और ये जर्म सेल दो प्रकार के होंगे, किसी एक से बनेगा स्पर्म तो किसी दूसरे से बनेगा ओवम, लेकिन इनके अंदर टेस्टिस या ओवरी जैसी रचना नहीं पाई जाती है। इनमें गैमिट बनता है लेकिन गोनेट्स नहीं बनता है। अब कॉलर सेल जब भोजन को फिल्टर करते हैं तो कई बार अपनी ही स्पेसीज का स्पर्म के सेल्स को भी वे निगल लेते हैं, लेकिन वे स्पर्म का डाइजेशन नहीं कर पाते हैं। जैसे ही अपनी जाति का स्पर्म कॉलर सेल में आता है, इसका कॉलर और फ्लैजिलम नष्ट हो जाता है और सेल बॉडी अमीबा की तरह मूव करते हुए मेसेनकाइम में ओवम को खोजता है। जैसे ही यह ओवम की सतह तक पहुंचता है, स्पर्म न्यूक्लियस को ओवम में ट्रांसफर कर देता है। तो फर्टिलाइजेशन की यह विधि भी अपने आप में बड़ा विचित्र, बड़ा पिकुलियर है, जो किसी और अन्य एनिमल में नहीं मिलता है। अब इनमें रीजनरेशन का अद्भुत पावर है, अद्भुत क्षमता है। अगर किसी रुमाल में एक स्पॉन्ज के टुकड़े को ले लिया जाए, उसे रगड़ रगड़ कर उसके सारे सेल्स को बिखरा दिया जाए और पानी में घोलकर फिर दो चार कप में डाल दिया जाए, तो ये सेल्स अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं और फिर से एक नया छोटा छोटा स्पॉन्ज बना लेते हैं। फ्रेश वाटर में रहने वाला स्पॉन्ज, मैंने पहले नाम बताया स्पॉन्जिला, उसमें अनफेवरेबल कंडीशन आने के पहले गिम्यूल नाम का एक रचना बनता है, आर्कियोसाइट से बनता है, या इसका एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। अब पहला क्लास इसमें है कैल्केरिया। कैल्शियम शब्द से बना है यह कैल्केरिया शब्द या कैल्सियम स्पॉन्जिया। इनमें स्पाइक्यूल का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। यह समुद्री है लेकिन सबसे सिंपल रचना वाली है, सीधा या सिर्फ एक बार फोल्ड हुआ उंगली नुमा अंदर बाहर फोल्ड हुआ इनका बॉडी वाल होता है। ल्यूकोसोलोनिया सबसे सिंपल स्पॉन्ज माना जाता है। इसके अलावा क्लैथरिन, ग्रांसिया और स्काइफा, स्काइफा को ही साइकॉन कहा जाता है, तो ये इसके कॉमन मेंबर्स हैं। ये फोटोग्राफ देखिए, ये पहला फोटोग्राफ ल्यूकोसोलेनिया का है। ट्यूब नुमा इसकी बॉडी है और बॉडी में फोल्ड नहीं पाए जाते हैं। इसकी सतह पर आपको पोर्स भी इतने मैग्निफिकेशन पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये दूसरा स्पॉन्ज है क्लैथरीना, इसकी सतह पर बहुत सारे रंध्र हैं, बहुत सारे छिद्र हैं, बॉडी वाल फोल्डेड है, कॉर्टेक्स विकसित नहीं है, इसलिए ये आपको जालनुमा लग रहा है। ये तीसरा स्पॉन्ज है ग्रांसिया और फिर अंत में साइकॉन। तो साइकॉन में आप देख रहे हैं इसका ओस्कुलम के चारों ओर पतला पतला रोएनुमा, एक्चुअली मेम्ब्रेन और उसके अंदर से स्पाइक्यूल लगे रहते हैं, तो एक फ्रिंज बना रहता है, घेरा बना रहता है। ये सब बडिंग के कारण, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते रहने के कारण समूह में आपको अलग अलग जगह पर चिपका हुआ दिखाई पड़ेगा। अब दूसरा क्लास है हेक्जेटिनेलेरा या हयालो स्पॉन्जिया। इनमें स्पाइक्यूल बना हुआ है सिलिकॉन का, सिलिशियस मटेरियल का, इसलिए बॉडी में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी पाई जाती है। ये अलग अलग या समूह में गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। इसमें एक बड़ा ही खूबसूरत ग्लास रोप स्पॉन्ज है। मरने के बाद भी इसके रेशे शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट रह जाते हैं। इसे घरों की दीवार में, कमरे में लगाया जाता है सजावट के लिए।
यूप्लेक्टेला इसका दूसरा नाम है, वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस एक ग्रीक गॉडेस थी जिसके पीठ पर फूलों की डलिया प्रतीक के रूप में लगाई रहती थी। और सबसे मज़ेदार बात है कि जापान में जब लड़कियों की शादी होती है तो शुभ चिन्ह के रूप में यूप्लेक्टेला को उसे गिफ्ट किया जाता है। फेरोनीमा बॉवेल स्पंज है, खूब चौड़ाई का होता है, लंबाई कम होती है, ओस्कुलम बड़ा सा होता है। यह देखिए फोटोग्राफ है हायलोनीमा का, बड़ा ही खूबसूरत सफ़ेद दिख रहा है। अगर आसपास के पानी में आयरन सॉल्ट हो तो यह हल्का गुलाबी भी दिखता है। और यह है यूप्लेक्टेला, आप देख सकते हैं किस तरह से जाल की तरह इसके फाइबर्स फैले हुए हैं, इन्हें ही ग्लास रोप स्पॉन्ज कहा जाता है। तीसरा क्लास है डेमो स्पॉन्जिया, यह काफ़ी मोटा तगड़ा बड़े आकार का होता है। इसकी दीवार काफ़ी फोल्डेड होती है इसलिए मोटी होती है, और इसमें एंडोस्केलेटन के रूप में, अंतःकंकाल के रूप में थोड़ी मात्रा में मोनेक्सोन और टेट्रैक्सोन स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन पूरा बॉडी वॉल स्पॉन्जिन फाइबर से भरा होता है। ओस्कैरेला प्राइमिटिव है, छोटा है। क्लियोना बोरिंग सल्फर स्पॉन्ज कहलाता है। पोटेरियन नेपचूंस गॉबलेट स्पॉन्ज कहलाता है। हेलिकॉन्ड्रिया क्रम्ब और ब्रेड स्पॉन्ज है। चेलाइना मरमेड्स ग्लोव स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यू स्पॉन्जिया यही है कॉमन बाथ स्पॉन्ज, और हिप्पो स्पॉन्जिया यानी हॉर्स स्पॉन्ज। तो क्लास थ्री में यू स्पॉन्जिया का नाम, और क्लास टू में हायलोनीमा और यू प्लेक्टेला का नाम अक्सर मेडिकल एग्जामिनेशन में इंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाता है, तो आप इसके कॉमन नेम और बायोलॉजिकल नेम भी याद रखेंगे। तो इस तरह आपने स्पॉन्जेज के विषय में काफ़ी पढ़ा। अब ये देखिए फोटोग्राफ है चेलाइना का, यही है यू स्पॉन्जिया कॉमन बाथ स्पॉन्ज, और यह है हिप्पो स्पॉन्जिया। तो इनमें से पोरीफेरा से एक न एक सवाल हर साल मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आता है। अब हम लोग अगले सेशन में सिलेंटेटा फाइलम का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।